हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फाइन। सब लोग बढ़िया हो, एकदम मस्त। तो हम पढ़ रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और आज है लेक्चर नंबर 10। आज की इस लेक्चर में पढ़ेंगे टॉर्क। आज का हेडिंग होगा टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आज का लेक्चर है टॉर्क के बारे में, कि एक करंट कैरिंग लूप है, कैसा भी लूप हो उसको मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर एक टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क हम निकालेंगे, डिराइव करेंगे इसको। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 8 में हमने क्या पढ़ा था कि करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। बट अभी क्या करेंगे, करंट कैरिंग लूप एक रखेंगे। तो आज का हेडिंग जो है वो है, हेडिंग लगा लो यहाँ पे, पेन और कॉपी निकाल लो और हेडिंग लगाओ। हेडिंग है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आज का ये जो लूप है, लूप जो लिया करंट कैरिंग लूप जो है, आज रेक्टेंगुलर लूप लेंगे, ठीक है? तो देखो कैसे है, सपोज कि एक रेक्टेंगुलर लूप है, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर लूप, एक रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप है। सपोज इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मान लो यहां पे कनेक्शन है ऐसे, ठीक है, इस तरफ से बैटरी से कनेक्टेड है तो करंट ऐसे निकल रहा है इसमें, ठीक है। तो यहां पे कहीं बैटरी लगा हुआ है, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है इसमें एंटी क्लॉकवाइज। दिखने में कैसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एक करंट कैरिंग लूप है। जैसे कैसा है, रेक्टेंगुलर लूप है, इसका नाम देते हैं कुछ टी क्यू आर और एस। इसको हमने कहां रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। और सपोज इसमें इसका जो प्लेन है, ये प्लेन है ना, ये इसका जो प्लेन है, ये थोड़ा ऐसे नहीं है, मतलब ऐसे समझो कि ये ऐसे नहीं है, ये थोड़ा ऐसे है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसने एंगल बना दिया है कुछ, सपोज ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है। और इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये एक एंगल बना दिया है थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है भी। तो ध्यान से देखें, तो सपोज ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, तो इसका ये लेंथ है, सपोज लेंथ है एल एल, और ये ब्रेथ है बी बी, ठीक है। और इसने कितना एंगल बनाया फील्ड के साथ, मतलब ऐसे समझ लो कि एक, ऐसे दिखाता हूं कि एक लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है, फील्ड ऐसे जा रहा है, फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ये पेन के डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, लूप थोड़ा सा ऐसे है, थोड़ा सा ऐसे है। तो इसने एक एंगल बनाया यहां पे, ये जो एंगल दिख रहा है, ये जो कौन सा एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है, ये वाला, ये जो एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल यहां पे ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। तो ये जो ये फील्ड है, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल दिख रहा था, ये जो वही थीटा है, ठीक है। उसके बाद इसका एक एरिया ले लेते हैं, इसका एक एरिया, तो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, एरिया इस, ये जो एरिया है इसका, ये जो एरिया लिया है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सपोज ये थोड़ा सा टेढ़ा है, सपोज, तो इसका सपोज एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर, इसने फील्ड के साथ एक एंगल बनाया है कुछ, सपोज ये थीटा बनाया तो इसने अल्फा बना दिया, ठीक, अल्फा बना दिया, एरिया वेक्टर, इस लूप का एरिया वेक्टर, इसने कितना एंगल बनाया फील्ड के साथ, अल्फा एंगल बनाया है, ओके। अब देखो यहां पे, अब यहां पे क्या, क्या कैसे समझोगे इसको, कि ये मेरा व्हाइट, व्हाइट जो है ये क्या है, व्हाइट पेन जो है ये क्या है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला है ये क्या है, एरिया है, एरिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल दिख रहा है, ये एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल दिख रहा है, कितना है, अल्फा। और ये वाले मैग्नेटिक फील्ड और ये इस वाले के बीच में एंगल थीटा है। तो ये जो टोटल एंगल कितना है, ये तो परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर, ये क्या एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू तो प्लेन होता है, परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, परपेंडिकुलर टू द एरिया का मतलब क्या है कि इसने एरिया के साथ 90 डिग्री बनाया हुआ है, मतलब ये टोटल एंगल जो है, ये जो टोटल एंगल, ये 90 डिग्री है। अगर ये अल्फा है तो ये थीटा है, तो इसको मैं थीटा को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस अल्फा लिखा जा सकता है, ठीक है। इतना हमने कर दिया, अब यहां पे खेल शुरू होगा, ठीक है। तो क्या 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 वो लिख देते हैं, इतना समझ में आ गया कैसे हमने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, किस तरह का रखा है, थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा है ऐसे, थोड़ा सा टेढ़ा करके, ऐसे नहीं रखा है, ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड यहां से ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मुझसे ऐसे निकल के उधर जा रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इधर, और उसने क्या है एक ऐसे ऐसे रख दिया, ऐसे रखना था हमने ऐसे नहीं रखे, ऐसे रख दिया, एक एंगल पे रख दिया, 90 डिग्री भी नहीं किया, एक एंगल पे रख दिया, इसका जो एरिया वेक्टर है उसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ अल्फा एंगल बनाया, और इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाया, और थीटा, और ये तो समझ में आ रहा है कि ये टोटल एंगल कितना 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, इतना समझ में आ गया। तो इसको थोड़ा लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे कंसीडर ए रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस ऑफ लेंथ, इसका लेंथ कौन है, ये पी एस इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू, पी एस क्यू आर को हमने क्या लिख दिया, एल लिख दिया है, ठीक है, एंड ब्रेथ कौन है, पी क्यू इक्वल टू एस आर इक्वल टू हमने बी लिख दिया, ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप दिस ऑफ लेंथ दिस ब्रेथ दिस बी प्लेस्ड और इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है इसको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, सपोज फील्ड का भी स्ट्रेंथ होगा ना, फील्ड का स्ट्रेंथ है बी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी, उसमें रख दिया इसको, ओके, इतना समझ में आ गया। अब क्या, अब क्या यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ना, इसमें करंट भी फ्लो कर रहा है, तो ये इसका लेंथ एल है, इसको लिखता नहीं हूं, इसको लेंथ एल यहां पे लिख दिया, तो अब समझ में आ गया, यहां पे लिखने से थोड़ा ज्यादा क्लमजी हो जाएगा, सो यहां पे मैंने लिख दिया वही चीज जो यहां पे डायग्राम में था, यहां पे लिख दिया। अब ये एरिया वेक्टर दिया हमने, ए वेक्टर, लेट द प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल और लूप, कॉइल या लूप, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो सकता है, एक ही टर्न हो सकता है या बहुत सारा टर्न्स हो सकता है, इसमें बहुत सारे टर्न्स भी हो सकते हैं, तो इसको मैं लूप कॉइल को जो, लेट द प्लेन ऑफ द लूप ही बोलता हूँ, चलो प्लेन ऑफ द लूप, ये जो प्लेन है, प्लेन कौन सा प्लेन, ये प्लेन, ठीक है, इसने फील्ड के साथ एक एंगल बनाया, अभी लिखा ना थीटा बनाया, प्लेन ऑफ द लूप मेक्स एन एंगल थीटा विथ बी मैग्नेटिक फील्ड, थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, बी थीटा विथ बी लिख दिया, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एंड द एरिया वेक्टर, ये जो एरिया वेक्टर है, एंड द एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ बी, ये भी समझ में आ गया कि जो एरिया वेक्टर लिया इसने बी के साथ कितना एंगल बनाया, अल्फा बनाया, देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा लिखा जा सकता है, क्यों लिख सकते हैं, ये समझ में आएगा कि एरिया वेक्टर और ये पी क्यू मतलब ये हमारा कोई कॉपी का ये वाला साइड क्या है, पी क्यू है, ठीक है, और एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब पी क्यू के साथ एरिया वेक्टर ने कितना एंगल बनाया, 90, उसमें से ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल अल्फा है, तो इसको मैं 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है, सो वी हैव रिटन दिस, ठीक है, नोट कर लो, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि कभी नहीं भूलोगे, सो इतना समझ में आ गया, आप देखो यहां पे नोट कर लो, पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है, हमने बोल दिया कि इतना इतना ये हो गया वो हो गया, अब देखो यहां पे करंट इसमें फ्लो कर रहा है, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ये भी लिखेंगे जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, आई लिख देते हैं कि लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इतना लिख लिया, अब इसमें करंट भी फ्लो कर रहा है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, यह डायग्राम में दिख रहा है हमको कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है हमको, कैसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा देन व्हाट विल हैपन, कि इसका ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा,
तो देखो ये वाला साइड एक वायर है ना, ये साइड क्या है, एक वायर ही है। रेक्टेंगुलर लूप लिया है तो ये वायर को हमने क्या किया, रेक्टेंगल शेप में उसको बेंड कर दिया। एक एक हो सकता है, मतलब एक हो सकता, एक टर्न हो सकता है, बहुत सारे टर्न हो सकते हैं, यहां पर हमने एक ही टर्न लिया है। तो दिस पी क्यू इज व्हाट, ए वायर। मतलब पी क्यू को सिर्फ ले तो क्या है, एक वायर है। क्यू आर क्या है, एक वायर है। पी एस क्या है, एक वायर है। और एस आर भी क्या है, एक वायर है। और जब एक करंट कैरिंग वायर, जबकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सो ये वाला वायर, मतलब ये वाला साइड इस रेक्टेंगुलर लूप का, ये साइड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, चारों करेंगे। तो कौन किधर करेगा, कौन किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये निकालने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, ये जो मिडिल फिंगर है इसको हम किधर रखते हैं, करंट के डायरेक्शन में। इसको किधर रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। और ये क्या दिखाता है, फोर्स दिखाता है। तो शुरू करते हैं, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो ये जो मैं करंट, इसमें ये वाला पी एस में करंट, पी क्यू में करंट किधर है, पी क्यू मतलब ये वाले वायर में करंट किधर है, इधर है, इधर की तरफ, इधर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर। तो ध्यान से देखो, तो ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा ऐसा दिख रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से देखो तो ऐसा ऐसा है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है, इधर है ना। और फोर्स किधर लगेगा, तो ऊपर लगेगा फोर्स, इसमें इसमें फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। सपोज इसमें लग रहा है F1, फोर्स इधर लगेगा। तो ठीक इसका क्या है, ये इधर आ रहा है, करंट इधर जा रहा है, तो इसमें फोर्स किधर होगा, देखो ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, वही, ये ध्यान से देखो, ये करंट का डायरेक्शन में, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो इसमें फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगेगा, F2, ठीक है। तो ये जो दो फोर्सेस है ना, ये दो फोर्सेस, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, इस कॉयल को, इस लूप को, ये वाला फोर्स नीचे खींच रहा है, ये वाला फोर्स ऊपर खींच रहा है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। और इनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, एक ही लाइन में लग रहे हैं, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। यहाँ पे मैंने इसको एक्चुअली यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए, मतलब यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने ड्रॉ किया हुआ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। नहीं चाहिए, छोड़ो, ये नहीं चाहिए, तो हम इसको आसान और अच्छे से समझ जाएंगे। ये नहीं चाहिए, मतलब ये समझाया था सिर्फ करंट दे रहे हैं, ये समझाते हैं। तो सपोज इसको बंद कर दिया ऐसे, तो ये जो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो यहाँ इधर लगेगा, F2। तो ध्यान से देखो, F1 और F2 का लाइन ऑफ एक्शन किधर लग रहा है, एक ही लाइन में लग रहा है। मतलब ये कैसा है कि ये मेरा लूप है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक बंदा ऊपर खींच रहा है और एक बंदा नीचे खींच रहा है। तो सेम फोर्स से दोनों क्या है, फोर्स तो सेम होगा, सेम मैग्नीट्यूड का। कितना होगा ये हम नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते कि ये देखो, कोई कोई है यहाँ ऐसे लिखा होगा कि F1 इज इक्वल टू इस यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसको लिखा होगा BI, इसका बी था तो बी साइन थीटा लिख दिया, BI लिख दिया होगा, ठीक है ना। ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते हम यहाँ पे। तो क्यों नहीं लिख सकते, कि यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं है, साइन थीटा लिखना पड़ेगा। तो ये हम कुछ नहीं लिखना है, हमको था हमको सिर्फ ये बोल देते कि F उधर और F2 नीचे, F1 ऊपर और F2 नीचे। तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। लाइन ऑफ एक्शन सेम होने से रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, जीरो। मतलब इसको कोई ऊपर ऊपर नीचे खींचे देगा नहीं, मतलब ये फोर्स बेकार है, ये दोनों फोर्स जो ऊपर खींच रहा है नीचे खींच रहा है ये बेकार है, दीज आर इनइफेक्टिव। अब बात करते हैं इस पे, अब आ जाते हैं हमारे इस वाले आर्म पे। ये वाला आर्म क्या है, ये वाला आर्म जो है, देखो ये वाला आर्म है ना, ये वाला साइड फील्ड के साथ कैसे भी हो, फील्ड के साथ क्या है, परपेंडिकुलर रहेगा। ये वाला साइड फील्ड के साथ कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर। ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन ये वाला क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा। चाहे ऐसे घुमाओ, ये साइड और ये साइड क्या है, फील्ड के परपेंडिकुलर, क्योंकि फील्ड तो अपने जगह पे रहता है। सो दिस आर्म आर क्यू और क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू फील्ड। ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, कैसे एक्सपीरियंस करेगा, देखो किधर एक्सपीरियंस करेगा, कैसे पता चलेगा, यही ये करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, ये फील्ड के डायरेक्शन में। देखो रखो, फील्ड किधर है, इधर, करंट किधर है, ऊपर की तरफ। तो फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ, मतलब इसमें फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लगेगा, F3 लिख देता हूं। तो इस वाले में फोर्स किधर लगेगा, इस वाले में फोर्स क्या है, देखो वही नीचे, करंट नीचे है, करंट नीचे, फील्ड उधर। तो फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ, मतलब इधर। इसमें उस वाले में क्यू आर में किधर लग रहा है, इस क्यू आर में किधर लग रहा है, अंदर। पीएस में किधर लग रहा है, बाहर। तो इसको बाहर तो ड्रॉ नहीं कर सकते, F4। तो ध्यान से देखो, तो F3 और F4 क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, एक ही लाइन में एक्ट नहीं करता है। ध्यान से देखो,
इस पे फोर्स किधर लग रहा है? अंदर की तरफ, और इस पे किधर लग रहा है? तुम्हारे तरफ, उधर लग रहा है, और इधर इस पे मेरे तरफ लग रहा है। तो ये क्या होगा, इस पे टर्निंग इफेक्ट आएगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा, तो ये घूमेगा, मतलब क्या होगा, तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। दिस टू फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट ए कपल, एक कपल फॉर्म करेंगे, और इस कपल की वजह से क्या होगा कि ये जो कॉयल है, ये जो कॉयल है, ये क्या होगा, घूमेगा, टर्न करेगा, दैट इज किधर टर्न करेगा, इस साइड टर्न करेगा, ठीक है, ऐसे टर्न करेगा, ऐसे ऐसे टर्न करेगा, ठीक है। तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, बस यही हमको निकालना है। तो हमने क्या क्या देखा कि F1 और F2 क्या है, यहां पे लिख सकते हैं फोर्सेस, फोर्स F1 एंड F2, फोर्सेस F1 एंड F2, फोर्सेस F1 एंड F2 आर इक्वल, इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट हैविंग, हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, एक्शन सेम लाइन ऑफ एक्शन, दैट इज देयरफॉर, देयरफॉर, देयरफॉर द रिजल्टेंट फोर्स, द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फोर्स, फोर्स इज जीरो, रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। ये भी, इसका भी क्या है, ये भी इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स जीरो, लेकिन ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो है, लेकिन ये इसका जीरो है, इसका कुछ भी टर्निंग इफेक्ट भी नहीं हो रहा, लेकिन ये दोनों एफ फोर और एफ थ्री मिलकर क्या कर रहे हैं, एफ थ्री, एफ थ्री, एफ थ्री, ऐसे लिख सकते हैं, इसको रफ नोट कर लो, रफ करना, रफ करके जगह बनाता हूं फिर लिखता हूं, ठीक है, नोट कर लो इसको, आप देखो यहां इसको रफ कर देता हूं, ये तो नई चीज, हेडिंग का क्या जरूरत है ना, हेडिंग का जरूरत नहीं है। तो अब लिखेंगे इनके बारे में, इसका खेल खत्म, इसका इन इन दोनों का, एफ वन और एफ टू का खेल खत्म, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो कोई इनका इफेक्ट इन नेट फोर्स जीरो है। एफ थ्री और एफ फोर का क्या है, इक्वल एंड अपोजिट तो है, मतलब नेट फोर्स जीरो है, लेकिन दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वही हमको निकालना है। दी फोर्सेस, दी फोर्सेस एफ थ्री एंड एफ फोर, एफ फोर कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट ए कपल, ये वो दिमाग इधर उधर मत लगाना, ठीक है, कपल इधर उधर दिमाग बिल्कुल ना लगाना, तो कपल मतलब ये एफ थ्री एफ फोर, जो दो दो फोर्सेस जो एक चीज को टर्न करवाते हैं, दो फोर्सेस मिलकर उनको हम कपल कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट ए कपल, देयर फोर टॉर्क प्रोड्यूस्ड, इस एफ थ्री और एफ फोर का वैल्यू कितना होगा, एफ थ्री और एफ फोर का वैल्यू कितना होगा, एफ थ्री मैग्नीट्यूड ऑफ एफ थ्री इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ फोर इज इक्वल टू कितना होगा, बी करंट, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड बी है, करंट कितना है आई फ्लो कर रहा है, इसका लेंथ कितना है एल, और इसका एंगल कितना होगा साइन 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, मैंने बोला था ये वाला साइड फील्ड का परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 लिखने का जरूरत नहीं है, तो बी आई एल होगा, ठीक है। देयरफॉर द टॉर्क प्रोड्यूस्ड, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूट ए कपल, कॉन्स्टिट्यूट ए कपल, कपल कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, दैट इज द कपल क्या करता है कि एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, टर्निंग इफेक्ट मतलब टॉर्क प्रोड्यूस होगा, द टॉर्क, देयरफॉर द टॉर्क, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड कितना एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंस्ड बाई द लूप, लूप और कॉइल कुछ भी बोल सकते हैं, बाय द लूप, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब कहां फोर्स है और कहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पे खेल चलेगा, ठीक है, कहां पे फोर्स है और कहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा फोर्स कौन सा पर? अब देखो ये इस कॉइल को ऊपर से, कोई बंदा ऊपर से देखे ऐसे करके, ऊपर से कॉइल को, अभी तो हम ऐसे देख रहे हैं ना, कोई बंदा ऊपर बोर्ड पे ऐसे चढ़ जाए, ऊपर से देखे, ऊपर से देखे तो कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा ये, इसको यहां पर नोट कर लो ये, ठीक है, कैसे दिखेगा, देखो पॉज करके नोट कर लिया करना, टॉर्क, टॉर्क हमने लिख दिया एफ इज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कैसा दिखेगा, एक्चुअली ऊपर से कोई देखे तो ये पी क्यू दिखेगा उसको ऐसे,
ठीक है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड इसको दिखेगा ऐसे, दिखेगा कि नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको दिखेगा बी, और उसको ये दिखेगा एरिया वेक्टर, जो कि इसने एंगल बनाया उसके साथ अल्फा, और इसके साथ ये बन गया थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है, 90 माइनस अल्फा लिखा है, ठीक है। तो ऊपर से देखे तो यहां पे एक फोर्स पी पे फोर्स इधर लग रहा होगा, मतलब नीचे की तरफ, यहां पे उसको नीचे की तरफ दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा है ना, इधर नीचे की तरफ नहीं, ये नीचे की तरफ दिख रहा है लेकिन नीचे की तरफ नहीं है, ये कहां है, ये परपेंडिकुलर टू बोर्ड है, इधर पी पे उसको दिखेगा। इस जगह पे ऊपर से देखने से, ऊपर से कोई बंदा देखेगा तो ये जो फोर्स लग रहा है इस आर्म में वो ऐसे लग रहा है, तो उसको ऐसे दिखेगा। और यहाँ पे फोर्स किधर दिखेगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ ड्रॉ नहीं कर सकते तो इसलिए ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये दिख रहा है F3 और यहाँ पे लगेगा F4, शायद दिख रहा है बोर्ड में या नहीं दिख रहा है पता नहीं, थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, दिखेगा। तो हमने टॉर्क का ये तो हमको चाहिए, इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखो ये ऊपर से ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा पी और ये हमारा पी क्यू, ये वायर, ये वाला वायर, इसको ऐसे कर दिया। ऊपर से देख रहा है बंदा कोई, हाँ ऊपर से कोई देख रहा है इसको, ऊपर से कोई ऐसे देख रहा है इस लाइन में, ऊपर से ऐसे करके कोई देख रहा है, मतलब बोर्ड पे ऐसे चढ़ गया ऊपर से देख रहा है इसको। तो ये एंगल कितना है, थीटा, थीटा इज इक्वल टू, इस डायग्राम के हिसाब से थीटा इज इक्वल टू क्या, 90 माइनस अल्फा। ये क्या है, एरिया वेक्टर में कितना एंगल बनाया मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाया अल्फा, इसलिए 90 माइनस अल्फा हुआ। यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ ऐसे, इस वाले आर्म में किधर लग रहा है, इधर, तो पी पॉइंट पे किधर होगा, इधर ही होगा, तो इसको ड्रॉ कर देते हैं इधर की तरफ F3। इस वाले में किधर लग रहा है, क्यू आर में किधर लग रहा है, अंदर की तरफ, क्यू आर में किधर लग रहा है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, तो क्यू पॉइंट पे किधर लगेगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ ड्रॉ करो, अंदर की तरफ, ये हो गया अंदर की तरफ, क्या F4। टॉर्क का क्या फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ध्यान से देखो, ये भी खेल शुरू है ना, यहीं पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे कोई कोई क्या करता है, बहुत मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि ये यहां से ऐसे ड्रॉ करते और ये वाला डिस्टेंस ले लेते, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ले लेते, नहीं होगा ये डिस्टेंस, नहीं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस, यही तो डेफिनेशन है टॉर्क, टॉर्क का यह डेफिनेशन है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स के, टॉर्क का है कि मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वहां से फोर्स कितना दूर है। तो रोटेशन कहां पे होगा, इस एक्सिस पे रोटेशन हो रहा है, ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा, इस एक्सिस पे रोटेशन होगा, तो इस एक्सिस से ये फोर्स कितना दूर है और ये फोर्स कितना दूर है, ये निकालना पड़ेगा हमको, इससे मतलब ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा, ऑब्वियसली 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये 90 माइनस अल्फा है तो ये भी क्या होगा, 90 माइनस अल्फा, तो ये भी क्या होगा, 90 माइनस अल्फा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हो गया काम खत्म। ये वाला टोटल कितना था, बी था, टोटल लेंथ कितना था इसका, बी, तो ये मिडिल से ही है ना, मिडिल से अगर सोचे तो ये कितना है, बी बाई टू है, और ये क्या है, बी बाई टू। हमें कौन सा चाहिए, इसको नाम देते ओ, इसको नाम देते ए, ये पी, और इसको नाम देते हैं बी, अभी नहीं कुछ और देते हैं सी, ठीक है। तो टॉर्क जो है, एक तो ये वाला फोर्स कितना दूर है और ये वाला फोर्स कितना दूर है, इन दोनों का ही सम होगा, तो फोर्स मतलब F3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा, PC प्लस F4 इंटू AQ, बस ये वाला जरूरी है, यही है असली कॉन्सेप्ट। कोई कोई क्या करता है, यहां से यहां वाला डिस्टेंस ले लेता है, कैसे होगा ये डिस्टेंस, थोड़े ना ये तो डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि डेफिनेशन ही बोलता है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हिच परपेंडिकुलर, व्हाट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस कौन सा है, ये वाला एक्सिस है, अबाउट दिस एक्सिस घूमने वाला, ये कहां घूमेगा, अबाउट दिस एक्सिस घूमेगा ना, अबाउट दिस एक्सिस, इसको ये फोर्स इधर खींचेगा, ये फोर्स इधर खींचेगा, किधर होगा ये, अबाउट दिस एक्सिस घूमेगा, तो इस एक्सिस से ये फोर्स कितना दूर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये वाला फोर्स इस एक्सिस से कितना दूर है, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो इस एक्सिस से कितना दूर है पीसी, और इस एक्सिस से कितना दूर है AQ डिस्टेंस है, तो अब हमको पीसी और AQ निकालना पड़ेगा इस डायग्राम से। इस डायग्राम में पीसी और AQ क्या होगा, F3 का क्या फॉर्मूला, वही बी आई
एल, लेंथ एल था तो बी आई एल। पी सी कितना है, पी सी, पी सी कहाँ गया, ये कितना है 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा, क्यों ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस अल्फा है, ठीक है, ये 90 माइनस अल्फा है, ये भी 90 माइनस अल्फा होगा, तो मुझे निकालना है ये, तो ये क्या है, एक एंगल है, तो ये बेस है ना, तो कैसे निकलेगा, तो मुझे अगर पी सी निकालना है, पी सी निकालना है तो क्या करेंगे, तो कॉस ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस अल्फा, कॉस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बेस, बेस मतलब पी सी, और हाइपोटेन्यूस कौन सा, ये वाला पीओ, पीओ, तो पी सी इज इक्वल टू क्या होगा, पीओ कॉस 90 माइनस अल्फा, पीओ कौन है, ये वाला बी बाई टू, तो लिख दो बी बाई टू, और कॉस 90 माइनस अल्फा का मतलब क्या है, साइन अल्फा, यही तो है, कॉस 90 माइनस अल्फा का मतलब साइन अल्फा, प्लस ठीक बी4 का क्या है, वही बी आई एल, और ए क्यू क्या होगा, देखो वही सेम होगा, सेम होगा, ये भी 90 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये भी क्या होगा 90 माइनस अल्फा होगा, क्यों 90 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो यहाँ पे हम मुझे ए क्यू निकालना है, तो बेस निकालना है, बेस निकालना है तो कॉस थीटा लेना पड़ेगा, मतलब कॉस 90 माइनस अल्फा लेना पड़ेगा, इसी तरह से कॉस 90 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ए क्यू बाई ये वाला ओ क्यू, ओ क्यू क्या है बी बाई टू, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा बी बाई टू, प्लस करके लिख दे बी आई एल बी बाई टू साइन अल्फा मिलेगा, क्योंकि कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा होता है, दोनों को ऐड कर, दोनों सेम है ना, दोनों को सेम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, टू बी आई एल बी बाई टू साइन अल्फा, अब बी ये टू टू कट गया तो क्या मिला, बी आई एल बी साइन अल्फा, एल बी क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, एल क्या है ये लेंथ है, बी क्या है ब्रेथ है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या मिला, इस लूप का, इस कॉइल का एरिया मिल गया, मतलब इसको लिख सकते हो कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू बी आई ए साइन अल्फा, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो गलती सब लोग करते हैं वो गलती नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि मैक्सिमम देखा है मैंने यही कि यहां से यहां डिस्टेंस ले लेते हैं, कैसे ले लेंगे डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्यों लेंगे हम, ये डिस्टेंस क्यों लेंगे, हम डेफिनेशन को, कंसेप्ट को ही गलत ठहरा रहे हैं, तो नहीं होगा, ठीक है, सो यू केयरफुल ऑन दिस, बी केयरफुल, इफ यू हैव एनी डाउट यू कमेंट ऑन दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, अगर कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे तो यहाँ पे थोड़ा कमेंट करो, वीडियो पे कमेंट करोगे तो मैं इसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अब तो ये हो गया, अब सपोज एन नंबर ऑफ टर्न्स, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, अब इसको रब कर दूं, ये खिचड़ी को, खिचड़ी को रब कर देता हूं, ठीक है, खिचड़ी खा लिया आपने, हमने हो गया हजम हो गया, अब इसको नोट कर लो, पोज कर लो, पोज करके वीडियो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नोट कर लो, अब इसको रब करता हूं, अब ये सब मुझे नहीं चाहिए, छोड़ो, अब हमको ये सब नहीं चाहिए, अब हमारा हो गया काम, ये वी आई ए साइन अल्फा, 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 टॉर्क क्या है, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर क्वांटिटी है ना, टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे बेटा, टॉर्क के ऊपर एक वेक्टर लगाओ, बी, बी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, आई तो स्केलर क्वांटिटी थे, आई, अब यहां पे देखो ये जो ए क्रॉस बी होगा कि बी क्रॉस ए होगा, ए क्रॉस बी होगा कि बी क्रॉस ए होगा, तो ध्यान से देखो यहां पे, तो ए क्रॉस बी होगा, ए क्या है यहाँ पे एरिया वेक्टर है, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, और मेरा और कुछ रह गया क्या, कुछ नहीं रह गया, आई ए बी, आई ए क्रॉस बी, क्यों ऐसा लिखा हमने, ए क्रॉस बी क्यों लिखा, टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट क्या याद करो, टर्निंग इफेक्ट, ये था हमारा कॉयल, ये था एरिया वेक्टर, ये था मैग्नेटिक फील्ड, टर्निंग इफेक्ट किधर हो रहा है, इधर, इधर हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ए क्रॉस बी कर रहे, टॉर्क किधर एक्ट करेगा, साइड, परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू एरिया एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सो आई ए क्रॉस बी, इस तरह से लिख सकते हैं, बी क्रॉस ए नहीं लिखना है यहां पे, अब देखो यहां पे, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्म्स, इफ देयर आर, हो गया, इसको रब कर दू, रब कर दू, अब रब कर देता हूं इसको, देखो ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में भी हो गया, अब हम जनरली वेक्टर फॉर्म तो होता नहीं है, लिखते नहीं है, मैक्सिमम यूज करते हैं बी आई ए साइन थीटा,
साइन अल्फा, साइन थीटा के जगह अल्फा के जगह थीटा यूज कर लेते हैं। अब यहां पे देखो एक चीज, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल एन, एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, कॉइल में एन नंबर ऑफ टर्न्स है, कॉइल का मतलब यहां पे लूप, लूप की बात कर रहे हैं ना, तो लूप में सपोज एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो टॉर्क क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू वही एन आई बी ए साइन अल्फा, ये होगा, ये भी हो सकता है, बेटर फॉर्म है एन आई एक्रॉस बी, एक्रॉस बी, ठीक है। अब देखो ये कब टॉर्क ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, जब ये एरिया वेक्टर का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, मतलब एरिया वेक्टर अगर परपेंडिकुलर टू है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कैसा होगा इस तरह से, इस तरह से अगर हमारा कॉइल है, ये कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड भी है और कॉइल ऐसे है, ऐसे करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या है, इस साइड बाहर की तरफ एरिया वेक्टर ऐसे, ऐसे एरिया वेक्टर है, ठीक है, अरे यार रुक जा भाई, एरिया वेक्टर ऐसे, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, एरिया वेक्टर का, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, साइन 90, सो इफ अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क इज मैक्सिमम, मैक्सिमम, तब टॉर्क मैक्सिमम, ज्यादा घूमना चाहेगा, टॉर्क क्या है, मैक्सिमम टॉर्क है उसमें, टॉर्क मैक्सिमम का मतलब क्या है, टॉर्क मैक्सिमम कितना लगेगा, एन आई बी ए, और यहां पे देखो ए पहले ही बताया था, एन आई ए याद करो, पीछे जब सर्कुलर, सर्कुलर लूप कैरिंग करंट जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने पढ़ाया था एन आई ए को हम लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट एम, मैग्नेटिक मोमेंट एम बी, तो एम बी लिख सकते हैं, टॉर्क को हम लिख सकते हैं एम बी, एम बी क्या है, एम बी क्या है, एम क्या है, एम इज एन आई ए इज मैग्नेटिक, मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, ये चीज मैंने पढ़ा था सर्कुलर लूप कॉइल, सर्कुलर लूप कैरिंग करंट में ये पढ़ा था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, मतलब ये लूप क्या है कि ये लूप एक साइड इसका दिखेगा नॉर्थ पोल के जैसा और एक साइड दिखेगा इसका साउथ पोल के जैसा, ठीक है। इफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, जीरो मतलब ऐसे रख दिया, अभी कॉइल ऐसे था, अब कॉइल को ऐसे कर दिया, कॉइल को ऐसे कर दिया, तब टॉर्क क्या होगा, तब टॉर्क सबसे कम होगा, टॉर्क जो जीरो होगा, तब इसे टॉर्क जो है वो जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल कितना हो जाएगा जीरो डिग्री, तो टॉर्क जो है वो जीरो होगा। तो इस चीज को ठीक करने के लिए, टॉर्क जीरो होने का मतलब ये घूमेगा नहीं, नहीं घूम पाएगा, टॉर्क जीरो होने का मतलब घूमेगा नहीं, तो इसको ठीक करने के लिए इस कंडीशन को मतलब ऐसा करना चाहिए कि हमेशा जो है 90 डिग्री रहे। यहां पे ये देखना, यहां पे बहुत बड़ा बात है, यहां पे एक बात मैं बता रहा हूं कि जो कॉइल का अगर एरिया वेक्टर फील्ड के साथ है, मतलब कॉइल को ऐसे रख दिया, फील्ड इधर है, कॉइल को ऐसे रख दिया, देन इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी टॉर्क, मतलब टॉर्क कितना हो जाएगा, दिख रहा है ना एक्सप्रेशन से, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, नॉट टॉर्क, कोई टॉर्क नहीं, मतलब टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा। तो ये कॉइल बनाने का क्या मतलब, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हमने यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को ही मॉडिफाई कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को मॉडिफाई करने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड को, इस चीज को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये तो घूम के गया, ऐसे कॉइल ऐसे घूम के गया, यहां पे जाकर रुक गया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से घूमेगा वो अलग बात है, लेकिन उस पर क्या है कि टॉर्क, इस जगह पर टॉर्क नहीं लग रहा है, सपोज टॉर्क नहीं लग रहा, सपोज रुक गया कॉइल, रुक गया ऐसे, तो रुकने से तो नहीं होगा, हमको घुमाना है कॉइल को, कॉइल को घुमाना है, तो कॉइल को अगर घुमाना है देन वी हैव टू यूज डिफरेंट थिंग, क्या डिफरेंट थिंग यूज किया, रेडियल, रेडियल, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, इसका रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा ये एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर, जो एरिया वेक्टर है ना उसके परपेंडिकुलर रहेगा, इस तरह से सेट कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को कि एरिया वेक्टर के हमेशा कॉइल के एरिया वेक्टर के एरिया के परपेंडिकुलर ही रहे हमेशा, ठीक है, हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए लूप
करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, और हमारा जो मेन टारगेट होगा नेक्स्ट वीडियो में वो होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल दैट इफ ए करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क एंड ड्यू टू दैट इट विल रोटेट। सो गैल्वेनोमीटर तो पढ़ा है, गैल्वेनोमीटर के बारे में तो थोड़ा बहुत आइडिया है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है, करंट चेक करता है किसी सर्किट में ना, तो डिटेक्ट करता है बोलते हैं उसको। सो उसके बारे में हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट करो, बिकॉज दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।